नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आयोजित हुआ दिवाली मिलन समारोह, इस मौके पर मोदी ने कहा पूरी क्षमता के साथ काम करो पीएमओ। जम्मू पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती को बजरंग दल ने दिखाए काले झंडे, दी पाकिस्तान की हार की बधाई। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेन को बढ़ा हुआ किराया, अब खत्म। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीपीसीबी का निर्देश, वाहनों की संख्या में 30% की कटौती करने की सलाह। संसदीय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू करने का दिया सुझाव, बढ़ते किराए को लेकर भी हुई बातचीत। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, हिंदी को वैश्विक मान दिलाने पर मंथन। प्रतापगढ़ में सपा की जनसभा में हुए बवाल में पूर्व विधायक समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद सामूहिक दुष्कर्म मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी के करीब 3 लाख किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने जारी किए 102.63 करोड़ रुपए। रायबरेली में जनसत्ता दल की नेता का फायरिंग करते वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना लाहौर, जहरीली धुएं में सांस लेना हुआ मुश्किल। कोरोना के बीच पाकिस्तान में रहस्यमय बुखार का अटैक, कराची में मिले सबसे ज्यादा मरीज। भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान जाने का रास्ता दे सकता है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया। ब्रिटेन के बाद शारजाह पुस्तक मेले में छाए मोदी, प्रधानमंत्री पर लेखों के संकल्प का अनावरण। पंद्रह नवंबर को वर्चुअल समिट में शामिल होंगे बाइडेन और शी जिनपिंग, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में इरास्मस और केटलबर्ग होंगे मैदानी अंपायर। रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा, टी20 WC 2021 के लिए टीम चुनाव में उनका और विराट कोहली का हाथ था या नहीं। वसीम जाफर ने दीवाना मस्ताना फिल्म का पोस्टर शेयर कर पाकिस्तान की हार का उड़ाया मजाक। राहुल द्रविड़ बिना सपोर्ट स्टाफ के जयपुर पहुंचे, बीसीसीआई जल्द कर सकता है 2 कोचों का नाम ऐलान। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही हसन अली का बाराती डांस वायरल, लोग बोले डांस इंडिया डांस में बुलाओ। उर्फी जावेद का टिप टिप बरसा पानी गाने पर दिखा गजब का बोल्डनेस। बोनी कपूर के साथ उनके सभी बच्चों को मिला दुबई का गोल्डन वीजा, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ डबल। शाहिद कपूर ने अली अब्बास जफर से मिलाया हाथ, अपकमिंग एक्शन फिल्म की शुरुआत हुई। सूर्यवंशी अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, अक्षय कुमार की फिल्म को नेटफ्लिक्स ने करोड़ों में खरीदा।
पानी से लबालब भर गया मास्टर विजय की बीट्स का सेट, धीमी हुई शूटिंग की रफ्तार। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।